Hi guys, this is Bani Bartla and I am your fashion and makeup enthusiast. So, आप मुझे देख रहे हैं हर जिंदगी पर और जो आज का टॉपिक है मेकअप हैक्स बाय बानी बाटला। बहुत सारे लोग आके मुझे ये बोलते हैं कि हमारा फेस बहुत चिजल्ड है, इसे प्लम्प कैसे दिखाएं, हमारा फेस बहुत प्लम्प्ड है, इसे चिजल कैसे करें। तो आज मैं आपको बहुत सारे मेकअप हैक्स देने वाली हूँ। आगे बढ़ने से पहले आई वॉन्ट यू गाइज टू डू समथिंग फॉर मी। जल्दी से जाइए एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को इफ अभी तक आपने नहीं किया है, बिकॉज आई प्रोमिस यू वी विल हैव lots and lots of fun. So this hack is for all those people जो कि ये बोलते हैं कि उनका फेस ऑलरेडी प्लम्प है। नाउ बाय प्लम्प आई मीन कि जिनका फेस ऑलरेडी थोड़ा सा चबी है और उन्हें अपना फेस पतला दिखाना है। सो ऑल यू हैव टू डू इज फॉलो योर चीक बोन लाइन लाइक दिस। आप यहाँ अपने ईयर के स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे एंड यहाँ ऐसे डायगनली लाएंगे एंड यहीं छोड़ देंगे। उससे क्या होगा कि आपका फेस का जो कट है वो एक इल्यूजन क्रिएट होगा ऑफ अ वेरी चिजल फेस। सो वन फ्रॉम द लेफ्ट ईयर टूवर्ड्स योर चीक बोन एंड वन फ्रॉम द राइट ईयर फॉर दोज पीपल जिनकी नोज जो है वो थोड़ी सी थिक होती है एंड उन्हें अपनी नोज को कॉन्टोर करना है। यू हैव टू फॉलो द नॉस्ट्रल लाइन्स एज वेल एंड आपको हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में उस कॉन्टोर को ब्लेंड करना है, विच मीन्स फ्रॉम हियर टू हियर। ऐसे आप डायरेक्शन में ब्लेंड करेंगे सो दैट कि आपकी जो नोज़ है वो बहुत ही चिजल, बहुत ही तीखी लगे। अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन में कभी भी उसे ब्लेंड करेंगे तो याद रखिएगा कि आपकी नोज़ जितनी हैवी है उससे और ज़्यादा हैवी लगेगी। नाउ कमिंग टू दी जॉ लाइन, कई लोग बोलते हैं हमारी डबल चिन बहुत ज़्यादा है। सो फॉर दैट ऑल्सो ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू फॉलो दी जॉ लाइन एंड आपको उसी पे कॉन्टोर अप्लाई करना है एंड देन यू हैव टू ब्लेंड इट डाउनवर्ड्स। सो इससे आपकी डबल चिन काफ़ी हद तक हाइड हो जाएगी। एंड अगर आप कोई आपका फेस कट ऐसा है कि आपका फोरहेड बहुत ज़्यादा बड़ा है, ऑल यू हैव टू डू इज़ वाइल आई एम नॉट डूइंग इट बिकॉज मेरा फोरहेड ऑलरेडी बहुत छोटा है, सो दिस इज़ द डायरेक्शन दैट यू हैव टू फॉलो एंड देन यू हैव टू जस्ट ब्लेंड इट। सो ये आप कर सकते हैं अगर आपका फेस कट थोड़ा सा हैवी है, थोड़ा सा प्लम्प है। दिस इज़ वॉट यू कैन डू टू मेक इट चिजल्ड। एंड ऑल्सो अगर आपको ऑलरेडी बहुत चिजल फेस है तो आपको अपने फेस पे नोज कॉन्टोरिंग या जॉ लाइन कॉन्टोरिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी आपका फेस चिजल्ड है तो यू डू नॉट रियली वॉन्ट टू मेक इट मोर थिन। सो आई थिंक दिस इज़ दी ओनली थिंग दैट यू कैन डू टू मेक योर फेस प्लम्प एंड आई थिंक इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है एज यू कैन ऑलरेडी सी। नाउ जो हमारा हैक नंबर टू है दैट इज़ दी ब्लश हैक। नाउ अगेन फॉर ऑल दोज पीपल जो बोलते हैं कि हमारा फेस ऑलरेडी प्लम्प है या हैवी है, हम कैसे अपने फेस को पतला दिखा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम ब्लश लगाते हैं हमारा फेस और भी ज़्यादा हैवी दिखने लगता है। सो फॉर दैट आई विल टेल यू कि आपको क्या करना है। अगर आपका फेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैवी है तो आप कभी भी अपना जो ब्लश है वो एप्पल ऑफ योर चीक से नहीं शुरू करेंगे, आप मिडल ऑफ योर चीक से लेकर ऊपर तक जाएंगे। प्लीज़ मेक श्योर आप जैसे ही अपने एप्पल ऑफ द चीक पे कलर ऐड करेंगे ऑफ कोर्स वो आपके फेस को ज़्यादा वॉल्यूम देगा एंड इवेंचुअली आपका फेस जो है बहुत ज़्यादा हैवी लगेगा, जो कि आप नहीं चाहते हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग दिस हैक कि आप एप्पल ऑफ द चीक पे ब्लश ना अप्लाई करके मिडल ऑफ द चीक से लेकर ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। फॉर दोज पीपल जिनका फेस चिजल्ड है अगेन लाइक मी, आपको एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ करनी है कि आपको थोड़ा सा खुश होना है, थोड़ा सा स्माइल करना है एंड उसके बाद जो एक शेप क्रिएट होगी आपके फेस पे, आपको अपने एप्पल ऑफ द चीक से लेकर टू द टॉप ऑफ योर ईयर आपको वो ब्लश जो है सर्क्यूलर मोशन में ब्लेंड करना है। सो इफ़ यू विल डू दैट उससे फॉर श्योर आपके जो चीक्स हैं उस पर थोड़ा सा वॉल्यूम ऐड होगा, थोड़ा सा हैवी लगेगा आपका फेस। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट आप थोड़ा सा और ज़्यादा वॉल्यूम ऐड करने के लिए अपने फेस पे अपनी नोज पे थोड़ा सा ब्लश लगा सकते हैं और अपनी चिन पे भी थोड़ा सा ब्लश लगा सकते हैं। उससे एक तो नेचुरल लुक आएगा, ऑल्सो आपके जो फेस आपका जो फेस है जो कि ऑलरेडी इतना थिन है उस पर थोड़ा सा वॉल्यूम ऐड होगा, थोड़ा सा हैवी लगेगा एंड जैसा कि आपको रिजल्ट चाहिए वो ज़रूर आएगा। नेक्स्ट इज़ आर हाइलाइटिंग हैक, विच इज़ आर हैक नंबर 3। सो इसमें भी आपको एक ही चीज़ करनी है। अगर आपका फेस ऑलरेडी हैवी है आपको मेक श्योर करना है कि आप जो है अपना हाइलाइटर का जो प्रोडक्ट है सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा कम ले रहे हैं। यूज़ वेरी मिनिमम प्रोडक्ट
फॉर हाईलाइटिंग, बिकॉज हाईलाइटिंग इटसेल्फ मींस कि आप अपने फेस को हाईलाइट कर रहे हैं, और अगर आपका फेस ऑलरेडी हैवी है तो हमें उसके कुछ एरियाज को हाइड करना है, ना कि हाईलाइट करना है. दिस इज़ द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड हाईलाइटिंग. सो येस, इफ यू हैव अ हैवी फेस, डू नॉट हाईलाइट मोर एंड मोर एरियाज ऑफ योर फेस. Only and only highlight the end of your cheekbone. अगर आपको थोड़ा सा cheeky shine भी देना है, also याद रखिएगा कि आपको बहुत ही subtle highlighters की तरफ जाना है, and उससे आपके face पे एक shine भी आएगी and आपका face ज़्यादा heavy भी नहीं लगेगा. Now for all those people जिनका chisel face है, जिनका thin face है, आप अपने highlighter को बहुत सारी जगह यूज़ कर सकते हैं. अपनी नोज़ पे यूज़ कर सकते हैं, टी जोन पे यूज़ कर सकते हैं. बाय टी जोन आई मीन योर फोरहेड, योर नोज़, योर चिन एरिया एज वेल. और जब आप अपना हाइलाइटर अपने चीक्स पे लगाएंगे तो भी आप अपने एप्पल ऑफ दी चीक से शुरू कर सकते हैं, टू दी टॉप ऑफ दी ईयर से लेके जा सकते हैं. इस तरीके से आपका फेस जो है वो हैवी लगेगा, प्लम्प लगेगा, एंड आपके फेस पे बहुत सारा वॉल्यूम भी दिखेगा. आर हैक नंबर 4 इज आर लिपस्टिक हैक. बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि जब वो अपनी क्रीम लिपस्टिक को लगाते हैं तो वो, या लिक्विड लिपस्टिक को भी फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट, जब भी वो कुछ पीते हैं, वो कहीं बाहर जाते हैं, कप से कुछ भी पीते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो जो लिपस्टिक के स्टेन्स हैं ना, वो कप पे या स्पून पे या कटलरी पे लग जाते हैं, एंड उसकी वजह से उनकी जो लिपस्टिक है वो रिमूव हो जाती है. सो आई हैव अ वेरी ब्यूटिफुल हैक फॉर यू गाइज. ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक अ टिश्यू पेपर. उस टिश्यू पेपर को आपको अपने लिप्स के ऊपर रखना है, थोड़ा सा लूज पाउडर लेना है एंड उसे डैम्प करना है अपने लिप्स के ऊपर, एंड उसके बाद उस टिश्यू पेपर को हटा देना है, उसी लिपस्टिक को लॉक करना है विद अ लिक्विड लिपस्टिक, एंड यू गुड टू गो. नाउ अगर अब इसके बाद आप अपना कॉफ़ी अप टी कप सिप करेंगे तो यू विल नेवर सी एनी स्टेन्स ऑन योर कप. नाउ द लास्ट हैक ऑफ आर डे विच इज़ आर हैक नंबर 5 विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कॉलरबोन हैक. उसमें मैं आपको एक बहुत ही ईजी स्टेप बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप जो है अपनी कॉलर बोन्स को एनहांस कर सकते हैं. आपको एक बहुत ही कॉम्पैक्ट सा, एक बहुत ही सटल सा एक ब्रॉन्जर लेना है. आपको उसको अपनी कॉलर बोन्स पे अप्लाई करना है, थोड़ा सा अपने क्लिवेज एरिया के पास भी अप्लाई करना है. ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन अप्लाई दैट ब्रॉन्जर ऑन योर शोल्डर्स, ऑन द टॉप ऑफ योर शोल्डर्स एज वेल. वो बहुत ही एक नेचुरल सा शाइन भी देता है और बहुत ही अपलिफ्टेड दिखाता है आपकी कॉलर बोन्स को. सो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा. जितने भी मेकअप हैक्स मैंने आपको बताए हैं, आई होप कि आपको वो पसंद आए होंगे एंड आप ट्राई करेंगे. ट्राई करेंगे तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. ऑल्सो वॉट एवर टॉपिक इज देयर इन योर माइंड, आप जो भी टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, प्लीज़ मैंशन इट इन दी कॉमेंट्स बिलो. आई वुड लव टू क्रिएट कॉन्टेंट फॉर यू गाइज. ऑल्सो अगर आपको मेरी और भी वीडियोज़ देखनी है, सो ऑल यू हैव टू डू इज़ गो टू हर जिंदगी एंड गो टू माई पेज. वहाँ पर एक लिंक भी अटैच्ड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन चेक इट आउट. यू कैन गो देयर एंड चेक ऑल माई अदर वीडियोज एज वेल, एंड आई विल सी यू गाइज वेरी वेरी सून. टिल देन आई लव यू, बाय.